हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक पर नई रेमेडी लेकर आ गई हूं। और आज की रेमेडी है फ्रेंड्स सीरम। जी हाँ, सीरम मार्केट में तो मिल जाते हैं बट बहुत महंगे होते हैं। और जो आज मैं आपको सीरम बता रही हूँ, ये सीरम आपके डार्क सर्कल्स भी भगाएगा और साथ में ही आपकी स्किन पर ग्लो और चमक लाएगा। अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में जो बेल है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं बात कर रही थी सीरम की, सीरम मार्केट में तो मिलते हैं बट बहुत कॉस्टली होते हैं। और सीरम हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स, सीरम ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो आज आपको एक इजी तरीके से सीरम बताना सिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से सीरम बनाइए, आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स भी खत्म होंगे, आपकी स्किन पर चमक आएगी, साथ में आपकी स्किन के डार्क सर्कल्स भी खत्म होंगे। फ्रेंड्स, जो आज के सीरम में बनाने के लिए आपको रेमेडी चाहिए वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको चाहिए रोज़ की पत्तियाँ। जी हाँ, रोज़ की लीव्स, जो फूल की लीव्स होती हैं वो चाहिए आप। अगर आप सूखी हुई चाहिए, अगर आपके पास घर में फूल है तो आप उसकी पत्तियों को सुखा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अंसारी वाली शॉप से ले सकते हैं। आप उसको अच्छे से सुखा लीजिए और उसका अच्छे से चूरा बना लीजिए, उसे ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद आपने उसमें मिलाना है एक चम्मच कच्चा दूध, रॉ मिल्क, ठंडा दूध होना चाहिए, आप उसमें मिक्स करिए। और जो थर्ड अपने मिलाना है इंग्रेडिएंट्स, वो मिलाना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के 2 चम्मच आपको एलोवेरा जेल डालना है और 1 चम्मच आपको आलमंड ऑयल मिलाना है। इसको आप अच्छे से मिक्स करिए और एक साफ़ कंटेनर में भर के रख लीजिए और इसको डेली 2 टाइम यूज़ करिए, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। ये सीरम आपकी स्किन पर ग्लो भी लाएगा, चमक एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर करेगा आपकी स्किन को, और साथ में जो आपके डार्क सर्कल्स, ये डार्क स्पॉट्स हो गए हैं तो उनको भी ये धीरे धीरे कम कर देता है फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा ये सीरम है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और ये मेरी आपको रेमेडी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे अपने लवली फीडबैक कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।